नवंबर पिछले 24 घंटा में साउथ ओडिशा का मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड वे में एक दो जगह करके हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। गंजाम डिस्ट्रिक्ट्स का गोपालपुर में एक जगह में हैवी रेनफॉल भी हुआ। गोपालपुर में 143.3 मिलीमीटर बारिश हुआ है। मिनिमम टेम्परेचर व नाइट टेम्परेचर ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है पिछले 24 घंटा में। सुंदरगढ़ केवंझर में बोथ प्लेसेस में 19.0 डिग्री सेल्सियस ये सबसे मिनिमम है प्लेन्स एरिया में, और भुवनेश्वर सिटी में हमारा 21.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अभी एक हमारा कामोरेन एरिया से वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल तक ऑफ साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट का पास तक एक सी लेवल में एक ट्रफ लाइन है, तो इसके बाद उससे रेनफॉल एक्टिविटी जो चल रहा है ये कंटिन्यू करेगा मेनली साउथ ओडिशा में। अगला दो दिन तक साउथ ओडिशा का थोड़ा सा ज्यादा एरिया में, बाकी मीन्स फ्यू प्लेसेस में, और दो दिन का बाद फिर आइसोलेटेड वे में एक दो जगह करके बारिश रहेगा। ये सब अगला 24 घंटा में हमारा मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ नवरंगपुर कालाहांडी कंधमाल गजपति गंजाम ये सब डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर, और बाकी साउथ ओडिशा का सभी डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके, नॉर्थ ओडिशा का जगत सिंहपुर कटक ढेंकनाल जजपुर केन्द्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। कल भी इसी तरह से ही रहेगा, उसका बाद फिर कल थर्ड भी ऐसा ही रहेगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स में भी आइसोलेटेड वे में रेनफॉल एक्टिविटी साउथ ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। भुवनेश्वर सिटी में आज जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा, लाइट रेन कुछ कुछ एरिया में होने का चांसेस है। कल मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का चांसेस है।